नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 4 अगस्त, कल के सेशन में हमने कमोडिटी मार्केट में एक शानदार मार्केट में मूव बनते हुए देखा। हमने देखा कल के सेशन में सोने चांदी में तेजी का रुख था, बट एक रेंज में ही मार्केट मूव किया, जिसके चलते ओवरऑल जो मार्केट में ओवरबॉट सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रही। ओवरऑल हमें लगता है कि सोना चांदी जब तक मेजर सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं करता इंटरनेशनल में करीबन $1920 या चांदी में $22, जब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। आज भी हम इंटरनेशनल में 1975 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, और जबकि चांदी $24 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रही। कल क्रूड में हमने एकाएक अच्छा खासा बाउंस आते हुए देखा। जिस ढंग से इकोनॉमी के डेटा अच्छे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्रूड को सपोर्ट करा, बट ध्यान रखिए ओपेक के मेंबर्स ने जो प्रोडक्शन कट में कमी लाई है वो कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में प्राइसेस पर दबाव लाएगा। तो हो सकता है आज के सेशन में फिर से हम एक गैप डाउन ओपनिंग खुलते हुए देख पाएंगे। ओवरऑल 3000 से लेकर 3200 का जो दायरा है, इसी दायरे में क्रूड ट्रेड करेगा। नेचुरल गैस में हमने पहले भी काफी टाइम कहा था कि मार्केट में एक शानदार रिकवरी रह सकती है, और लॉन्ग टर्म हम 200 का लेवल पार करते हुए देख पाएंगे। कल एक ही दिन में शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइसेस में 17.5% की बड़ी तेजी बनते हुए देखी हमने, और प्राइजेस ऑलमोस्ट 160 के लेवल को छूता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट हो जाता है, बट फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है, जो 170 तक का लेवल अगला लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं पूरे बेस मेटल में कल हमने एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हो सकता है आज के सेशन में LME पे जिस ढंग से ट्रेंड थोड़ा सा वीक दिखा रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए, पर ध्यान अभी भी तेजी का है। बेस मेटल में हमें बाय और ड्रॉप की स्ट्रेटेजी यूज करके बाइंग करके ही चलना चाहिए। इंटरनेशनल में गोल्ड इस वक्त अगर हम स्पॉट की बात करें तो 1990 के नजदीक ट्रेड कर रहा है, 2000 का लेवल के नजदीक है, बट ओवरऑल जब तक 1956 का लेवल ब्रीच नहीं करता है हमें लगता है 2020 से 2060 तक का लेवल गोल्ड, वहीं चांदी करीबन $25 का लेवल तोड़ने पर $27 तक का लेवल दिखा देगी। क्रूड में आज बिकवाली हावी रह सकती है 0.5% की, जबकि नेचुरल गैस में आज भी तेजी का ही रुख है। अगर आज थोड़ा पुल बैक मिल जाता है करीबन 157 तक के लेवल पे हमें बाइंग करके चलना है, जो ऊपर में 162 का लेवल तोड़ने पे ही हम 168 से 170 का लेवल देख पाएंगे। LME पे आज थिंग्स आर स्लाइटली मिक्स, थोड़ा सा डाउनफॉल बेस मेटल में हम देख पाएंगे, बट ज्यादा डाउनफॉल नहीं है, लोअर लेवल से बाइंग अभी भी है, क्योंकि डेटा पॉइंट है वो काफी शानदार है। कल हमने मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े जापान, चाइना, US, यूरोप सभी से देखे, काफी शानदार थे, जिसके चलते ये रैली बनती हुई दिखी। आज का भी डेटा पॉइंट देखें तो फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा में थोड़ी सी गिरावट है, जबकि PPI का डेटा पॉजिटिव दिखा रहा है, और जापान से भी जो मॉनेटरी बेस का डेटा देखा था वो काफी अच्छा आता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली अगर बात करें तो जब तक प्राइजेस $22.5 के नीचे नहीं जाती है चांदी में, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है, जो $26.5 से $27 तक का भी लेवल हम इंटरनेशनल चांदी में देख पाएंगे। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक अच्छा खासा बाउंस दिखा रहा है प्राइसेस में। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर बाउंस आता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को इसका सपोर्ट आने वाले दिनों में मिल सकता है। वहीं कॉपर में हमने पहले भी कहा था कि 507 का काफी इंपॉर्टेंट रेशन, अगर ये तोड़ देता है तो 512 और 512 के ऊपर 516 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। तो आज के सेशन में हो सकता है कल की तेजी का थोड़ा पुल बैक मिले, 507 के करीब हम कॉपर को लेके चलेंगे, जो 512 का लेवल तोड़ के 515 का लेवल दिखा देगा। नेचुरल गैस में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है मार्केट, थोड़ा भी पुल बैक आए लेके चलिए, 157-158 का रेजिस्टेंट था वो भी टच कर चुका है, इसके ऊपर 170 से 185 तक के भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। आज मंगलवार 4 बजे एक हमने सेशन रखा है, टॉप मोस्ट टेक्निकल इंडिकेटर फॉर कमोडिटी मार्केट सेशन 2। सेशन 1 में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, सेशन 2 में हम पिछले सेशन का रिकैप और नए 5 ऐसे इंडिकेटर बताएंगे जिसके जरिए आप अपना ट्रेड अच्छा बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और आज का सेशन अटेंड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आपको कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।